morning friends and welcome back to my channel. Then have a good night's sleep. Bedroom का AC काम नहीं कर रहा है और living room का AC तो काम कर रहा था लेकिन वो भी अभी काम नहीं कर रहा है. पर वो लोग देख के गए हैं, देखते उसके बोल रहे आ रहे हैं. अब next कब आएंगे let's see. बोले आधा एक घंटे में आ रहे हैं. Once they come see and tell that ना कभी भी आएंगे. कब आएंगे? क्योंकि बेडरूम का जो है वो तो बाथरूम में है, रायन के बाथरूम में, और लिविंग रूम का जो है वो है किचन में. आके देखते क्या बताएंगे. एनीहाउ कॉफ़ी विल मेक माय लाइफ बेटर. और इस बार वीकेंड में मैं ग्रॉसरी में ना कार्डबोर्ड से लेके आई हूँ स्टारबक्स का कैप्सूल्स. काफ़ी सारा लेके आई हूँ सो दैट आई गेट मोर ऑप्शंस. स्टारबक्स का लेके आई हूँ मैं. एक है ब्रेकफास्ट ब्लेंड, ये 7 इंटेंसिटी का है. ये है स्टारबक्स का हाउस ब्लेंड लुंगो. लुंगो में मैं भी पीती हूँ. ये है 8 इंटेंसिटी का. और दूसरा है स्टारबक्स ब्लॉन्ड एक्सप्रेसो रोस्ट. ब्लॉन्ड काफ़ी हल्का सा होता है, एकदम लाइट. इसका मतलब एक्सप्रेसो ही ठीक है. आप इसको अगर थोड़ा सा सोचोगे ना, इसको थोड़ा लूंगा, बहुत डाइल्यूटेड वाला होता है. ये 6 इंटेंसिटी का. एक्चुअली स्टारबक्स का मैंने ये वाला ऐसे पैकेजिंग ही देखा है. 10 का आता है 10 कैप्सूल्स. ये वाला पहली बार मैंने देखा कि इसमें ना 18 कैप्सूल्स. ये कुछ शायद ज़्यादा पुराना नहीं है, नया वाला पैकेजिंग ही है. स्टारबक्स का जो 10 कैप्सूल्स वाला पैकेजिंग है आई थिंक दैट इज स्टार्ट्स अराउंड 23 दिरहम सम फिल्स. और जो 18 कैप्सूल वाला पैकेजिंग था दैट टर्न्ड आउट टू बी चीपर. 18 कैप्सूल्स फॉर 38 दिरहम सम फिल्स. यूएई की कोई भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग में एमआरपी लिखा नहीं होता है. शॉप्स के आयल पे लिखा होता है या आपको बार कोड जाके चेक करना पड़ेगा स्कैनर में. लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था मेरा 2 इंग्रेडिएंट्स प्रोटीन ब्राउनी, उसका रेसिपी शेयर करने के लिए कहा था किसी ने, तो मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ ग्रीक योगर्ट. पर सर्विंग के लिए मैं तो अपना 5 दिन का बना के रख देती हूँ, सो दैट एवरीडे बिफोर गोइंग जिम दैट इज माय ब्रेकफास्ट या व्हाटएवर. तो पर सर्विंग के लिए मैं लेती हूँ यहाँ पे 75 ग्राम्स ऑफ ग्रीक योगर्ट और 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, दैट्स इट. पर मैं यहाँ पे जो भी बना रही हूँ 5 टाइम्स. तो सिंगल सर्विंग का इंग्रेडिएंट्स 75 ग्राम्स ऑफ ग्रीक योगर्ट, स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर, थोड़ा सा कम भी डाल सकते हो प्रोटीन पाउडर. मैंने से पोर्शन आउट करके ग्रीक योगर्ट ही निकाला था कि एसी रिपेयर करने के लिए आ गए तो किचन का काम होने से तो रहा. तो मैंने सोचा बैठ के मोबाइल स्क्रॉल करने से बेटर है मैं अपना टाइम का सदुपयोग करूं और लग पड़ी क्लीनिंग के काम पे. लिविंग रूम का एसी तो बहुत जल्दी रिपेयर हो गया था विद इन हाफ एन आवर, पर बेडरूम का एसी का मेजर काम निकल आया था. देयर वाज मेजर ब्लॉकेज. रायन का बाथरूम में जो रिपेयर हो जाएगा था मुझे लगा था, नहीं, वो लोग देख के फिर बताए कि बाथरूम में जो है यूनिट वहाँ पर तो क्लीनिंग होगा ही, मेन जो यूनिट है रूफ टॉप पे वहाँ पे भी होगा. तो पूरा दिन आना जाना और मेरा घर एकदम कचरा हो गया था. मुझे लगा था कैमरा ऑन है, पर मैंने 5 दिन का बना रही हूँ तो मैंने 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर डाला है. और मेरा योगर्ट काफ़ी थिक है इसीलिए, और शायद मेरा फुटेज ये भी नहीं आया कि मैंने प्रोटीन पाउडर मिक्स किया था. 5 दिन का हिसाब से प्रोटीन पाउडर, वो फुटेज मेरा मिस हो चुका है. मैंने चॉकलेट फ्लेवर का प्रोटीन पाउडर यूज़ किया है. मैं आइसो ही लेती हूँ, कोई वेल नोन कोई भी ब्रांड का जब भी लेती हूँ, क्योंकि अगर आइसो नहीं लेती हूँ देन आई फाइंड इट डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट. ये वाला भी प्रोटीन ब्रांड में फर्स्ट टाइम ले रही थी. फार्मेसिस्ट से मुझे थोड़ा पुश किया था तो मैंने लिया. मैंने अभी तक यूज़ किया है मेनली आइसोप्योर या मैंने यूज़ किया है डायमेटाइज. यही दो ब्रांड मैं रिपीट पे खरीदती रहती थी. फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, टिल नाउ इट्स गुड.
190 डिग्रीज पे 4 से 5 मिनट कुक करेंगे, फिर निकाल के मिक्स करना है, फिर से कुक करना है, क्योंकि इसमें कोई ग्लूटेन है नहीं। ये मिक्सिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है टेक्सचर लाने के लिए। पाँच मिनट हो गया है, अभी इसको ऐसा थोड़ा मिक्स कर देंगे। विल डू इट फॉर 5 मिनट्स, फिर खोल के एक बार देखेंगे कि स्टेयर करने की फिर से जरूरत है कि नहीं। बस हो गया है मेरा कुकिंग, मैं और कुक नहीं करूंगी। अभी भी मशीन गर्म है तो उसी में मैं 1-2 मिनट छोड़ दूंगी, क्योंकि ओवर कुकिंग से ड्राई हो जाएगा। अभी एकदम परफेक्टली बन चुका है ये। बस मैंने सोचा क्लोजअप दे देती हूँ आपको टेक्सचर की। पोर्शन आउट करके रख दिया है नेक्स्ट 4 दिन का। आज मैं ये खाने वाली हूँ, ब्राउनी, प्रोटीन ब्राउनी, साथ में स्ट्रॉबेरीज। सुबह मैंने चिया सीड लिया था, मतलब मेरा IF कंप्लीट होने के बाद मैंने चिया सीड जो रात को सोक करके रखी थी वो मैंने पी लिया, तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे फाइबर मिल चुका है और अभी प्रोटीन भी मिल गया, फ्रूट्स भी ले रही हूँ। और मेरा तो आफ्टर जिम काफ़ी सारा लेटस, वेजीज, ग्रिल वेजीज ये सब रहता है विथ सम प्रोटीन, तो प्रोटीन और थोड़ा सा कार्ड भी लूँगी, क्योंकि जिम के बाद मुझे बहुत भूख लग जाती है और फाइबर तो मिल ही जाएगा मुझे वेजिटेबल्स और लेटस वेटस से। चलिए लेट मी सेट एंड हैव दिस। We'll be right back.
हेलो फ्रेंड्स, इवनिंग में रायन के लिए मैं पकोड़े बना के दे रही हूँ। उसको पकोड़े बहुत पसंद है। मुझे पता है मेरे वीडियोस में आपने बहुत कम देखा होगा ऐसा पकोड़े बनाते हुए। रायन को ना वो पम्पकिन का जो पल्प है उसका पकोड़ा बहुत पसंद है, पर पल्प बहुत कम आता है। पल्प बनाते हुए सिर्फ रायन को मिलता है, फिर राजू को नहीं मिलता है। तो मैंने क्या किया, पल्प के साथ मैंने कद्दू को भी ग्रेट करके ढेर सारा बना लिया मिक्सचर। जस्ट नॉर्मल सॉल्ट, प्याज, ग्रीन चिली और बेसन। मैं अपने लिए थोड़ा सा ना एयर फ्राई कर लूंगी। मैंने निकाल के ना ऑयल ब्रश करके फ्लिप भी कर दिया था, और मेरा वीडियो बीच में रह गया क्योंकि कद्दू की पकौड़ा एयर फ्राई तो हो गई है। यह है एयर फ्राइड पकौड़ा और ये आपने देखा तेल में बनाई हूँ। बस ये राजीव और रायन मैं, और यहाँ से दोनों को मैं टेस्ट करवाऊंगी। अगर दोनों में किसी एक को, खासकर राजीव को, अगर पसंद आ गया एयर फ्राइड वाला तो नेक्स्ट टाइम से उसके लिए भी एयर फ्राइड ही बनाऊंगी। मुझे तो खैर एयर फ्राइड पसंद है। या रायन, यू कैन गिव द फीडबैक। बहुत गुड। एयर फ्राइड वंस आर मच मोर क्रंचियर। सो एयर फ्राइड वंस आर आल्सो टेस्टी। बोथ टेस्ट गुड। या बोथ टेस्ट गुड बट एयर फ्राइड वंस आर क्रंचियर। So next time if I offered you air fried ones, is it okay? Okay. And you know, I'm going to have all this air fried only. आज डिनर में चिकन बिरयानी बना रही हूँ, पर रेसिपी आपके साथ और शेयर नहीं कर रही हूँ। बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, फाइनल लुक जरूर दूंगी मैं। और चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं और देखते हैं बाहर की आज ह्यूमिडिटी की क्या हालत है। आप लोग सिर्फ सुनिए, मैं देखती हूँ और फील करती हूँ। मुझे एक्चुअली बालकनी में जाके सूखे हुए कपड़े उठाना है। इट्स वेरी विंडी। बिरयानी तो रेडी हो गई है।
जो ओपन पैक्ड एक्स्ट्रा नट्स है जो कंटेनर में फिट नहीं आता है उसको मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ, इससे फ्रेश रहते हैं नट्स। और फ्रिज थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ है क्योंकि इट वॉज जस्ट आफ्टर द ग्रॉसरी शॉपिंग, मेरा ग्रॉसरी शॉपिंग के बाद ही मिल्क प्रेप भी हो जाता है इसलिए फ्रिज भरा हुआ रहता है। बस किचन क्लीनिंग, और ये किचन क्लीनिंग के बाद ही मेरा आज का मेजर जो क्लीनिंग का काम होता है दिन के लिए ख़त्म हो जाता है। किचन बंद करने से पहले आई नीड टू टाइडी अप द किचन, नहीं तो रात को सही से नींद नहीं आएगी। अगर गलती से नींद आ भी गई, सुबह उठ के गंदा किचन पूरा दिन का शुरुआत ही खराब कर देगा। बीइंग अ होममेकर एंड अ मॉम, हर दिन लगभग एक जैसा ही होता है। उसी से फ्यू ग्लिम्सेस ऑफ माय डे मैंने आपके साथ शेयर किया है। पूरा दिन डिटेल में शेयर करने जाती ना, ऐसे वीडियो लंबा होता, आप लोग भी बहुत बोर हो जाते। आगे भी वीडियोस बनाऊंगी ना, तब आप देख ही पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए व्लॉग में।